बहुत अच्छा। एक दफ़ा मैंने अदीब भाई के साथ भी जो है मुश्तरक आपने इंटरव्यू किया, तो उनकी एक बात बड़ी मुझे अच्छी लगी। वो कहते थे कि बंदे इकट्ठे करने से या बातें करने से आप कहते हैं क्या होगा, थोड़े आदमी हुए या ज़्यादा आदमी हुए, जब आप नाम लेते हैं हमारे लिए, हमारे हक में कोई अल्फाज कहते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। अपना इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तीन किताबें उन्होंने लिखी हैं, वो फारसी के अच्छी खासी फारसी पर वो लिखते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो मैंने कहा जब ये इनकी फौतीत की हुई तो आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा उनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया, उसी वक्त जिस वक्त वो दुनिया से चले गए, उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। तो मैंने इस खबर को ये मैं शेयर करूँ, आपकी रिकॉर्ड की है लेकिन मुझे ये आपकी रिकॉर्ड अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा ये खबर लेने के लिए कोई तैयार नहीं था चंद सेकेंड पहले, एक लेने के लिए तैयार नहीं था, एक मानने के लिए तैयार नहीं था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स एक लागर कमज़ोर इंसान जब पाकिस्तान की बात करता है, तो आज पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के झंडे में वो दफन हुए और उनकी फैमिली पर गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कि इस हालत में कि वो चले गए हैं, उनके बच्चों पर जो गद्दारी के मुकदमे का, आप लोग यहाँ रहते हैं और बात जो है वो पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान के झंडे की बात करते हैं। आप खुद अंदाज़ा करें कि यहाँ जब इस मुल्क में कोई झंडे में दफन होने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा जमहूरियत में। तो मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा।